अच्छी तो लग रही है, अच्छी बात है ना। कितना जबरदस्त लग रहा हूँ मैं, मेरे निकाह की फोटो लगी हुई है यहाँ, शहाबाई ने लगाई है ना। अभी मैं खाऊंगी और खाने पे ऐसा टूट पड़ूंगी, ऐसा टूट पड़ूंगी, कोई नहीं टूटा होगा। ये वो है जो भर भर के खाने लगती है और खाती है। और ये मैं डालूंगी, और ये मैं डालूंगी, और ये अभी ठूस रही है, और ये सारा खत्म करना है। प्लेट मुझे ऐसी चमकती हुई नजर आ जैसी मेरी है। जाइना को क्या पसंद है? गुलाब जामुन। मुझे भी गुलाब जामुन बहुत पसंद है। आपको तो फेस भी गुलाब जामुन की तरह है। अनदर वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, जहाँ पे भी होंगे सेफ होंगे, अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। तो यार मैं शादी अटेंड करने जा रही हूँ, सोचा आप लोगों के लिए व्लॉग बना लेती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ ना थोड़ा सा कि मैं शादियों पे जाके कैसे खाती हूँ। ठीक है, अब हम तैयार होती हैं, शादी पे जाती हैं, और मैं व्हाइट कलर का ड्रेस पहनने लगी हूँ। ड्रेस आपको दिखा देती हूँ, पीछे आप इग्नोर करें, बहुत मैस हुआ है। ठीक है, आपको ड्रेस दिखाती हूँ जो मैं पहनने लगी हूँ। मैं यहाँ के देख रही हूँ, ये ड्रेस है जो मैं पहनने लगी हूँ, व्हाइट कलर का। आज बड़ा मूड था मेरा ये पहनने को, काफ़ी टाइम से नहीं पहना था, तो ये है सतरंगी बोनैंजा का। ठीक है, तैयार होते हैं और फिर मिलते हैं। यार माहौल आ गया है, देखें कितना ज़बरदस्त है। और ये न्यू बना है बहावलपुर में, मलिका बारबेक्यू तो नाइट में ही है जहाँ पे मेरा निकाह हुआ था, पर ये उनका अभी बना है। अगर ये होता तो मैंने यहीं पर करना था, इधर ही करना था हमने। चले सुल्तान ऐसे 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 ऐसे। तो यार हम आ गए हैं हॉल में, और अंदर जाते हुए ये देखें ये सब लोग भी जा रहे हैं अंदर, मम्मा, इकरा और मीरब। सुल्ताना ऐसे ऐसे बनाते हैं, एक फॉर्म एक ज़्यादा नहीं, मल्टीपल होंगे। यार ये देखें कितना ज़बरदस्त है, ये देखें। ठीक है, आज देखते हैं, अगर तो बहुत अच्छा लग रहा है सुल्तान, है ना। ये देखे अच्छी तो लग रही है, अच्छी बात है ना। कितना जबरदस्त लग रहा हूँ मैं, मेरे निकाह की फोटो लगी हुई है यहाँ, शहाबाई ने लगाई है ना। नहीं, वो मलिका ने भी लगाई हुई है, शहाबाई ने लगाई। बोलो इन्हें, बोलो हम में। तो यार ये देखिए बड़ा जबरदस्त है। नहीं फैजान मेकअप थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, और मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा, पर आउटफिट अच्छा लग रहा है, ये तो चलो एक सही बात हो गई। पर अच्छा बाल अच्छे लग रहे हैं ना, मेकअप में थोड़ा सा मसला हुआ बस। यार मैं फ़ोटोज़ बनवाई, ये और भी दिखाएं भाई। चलें ये मैं एडिट करके आप लोगों को दिखाऊँगी। आप क्या है आपका विजन? ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ बोलेंगे अपने, हाँ अपने उसका बता देना, इंस्टा के पेज का। ठीक है, नहीं जाना। आपका नाम क्या है? जाइना। ये तो बहुत प्यारा नाम है, किसने रखा है? मम्मा ने रखा है। ओ वाओ। और जाइना को क्या पसंद है? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन, मुझे भी गुलाब जामुन बहुत पसंद है। आपको तो फेस भी गुलाब जामुन की तरह है। तो यार बस अब गाने बंद हो गए हैं और खाना लगने का टाइम आ गया, खाने का वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अच्छा था इवेंट, अच्छा रह गया है। फैजान जो है हमारा क्लास फेलो है मेरा और सुल्तान का, और अच्छा दोस्त भी है, तो उसकी शादी अटेंड करनी थी, वो कर ली, कल नहीं आएंगे, अब हम आएंगे वलीमे में, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। ठीक है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। अभी मैं व्लॉग नहीं एंड करी, वो मैं बाद में घर जाके एंड करूँगी। ठीक है, ये यहाँ से निकल रहे हैं, तो खाना लग रहा है, आपको दिखाती हूँ सामने मेरे। इस टाइम खाना बहुत सारा सैलेड, ठीक है, खाने पे नज़र पड़ गई मेरी, ज़बरदस्त इतनी सारी सैलेड। अभी मैं खाऊंगी और खाने पे ऐसा टूट पड़ूंगी, ऐसा टूट पड़ूंगी, कोई नहीं टूटा होगा। मेरा इस टाइम भूख से बुरा हाल हो रहा है, कितना यम्मी लग रहा है ये। मज़े का खाना लग गया यहाँ पर, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि क्या क्या है। और मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले उठी हूँ, देखें कितना प्यार करती हूँ मैं। शादी पे कोई अभी तक नहीं उठा, और मैंने कहा मैं पहले अपने
सब्सक्राइबर्स के लिए वीडियो बनाऊंगी। अब आएंगे लोग, ठीक है। ये देखें, यस, हमारी फेवरेट यखनी बहुत मजे की लग रही है और अभी मैं पेट भर के खाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। यम्मी खाना दिखा दूँ फिर से, खीर, चिकन, राइस, पेट ने मज़े मज़े के सैलड्स, बीन्स वाला चना चाट टाइप और ये रायता। ये मेरा खाना, ये मेरी रोटी और ये मेरी कोका कोला और ये मेरा खाना। मैं खाती हूँ और फिर आप लोगों से दोबारा मिलती हूँ। मैं खाई जा रही हूँ आपके लिए। बहुत मज़े के हैं, खाना बहुत यम्मी है यार। खाना शाना हो गया मेरा ख़त्म और देखें कितनी महज़िब प्लेट है मेरी साफ। ये खीरे भी खा लूँगी अभी। ये वो है जो भर भर के खाने लगती है और खाती हूँ मैं। कितनी बुरी बात है। और ये मैं डालूँगी और ये अभी ठूंस रही है और ये सारा ख़त्म करना है। प्लेट मुझे ऐसी चमकती हुई नज़र आ जैसी मेरी है। मैं हमेशा ऐसा करती हूँ। बंद कर दूँ? क्यों? कोई बात करनी है। सीक्रेट मीरम ने और ये इसलिए कह रही है कि अपना फ़ोन बंद कर दें। अपिया, मैंने आपसे बात करनी है और आप लोग ये गवा रहिएगा कि ये बहुत ही बदतमीज़ हैं ये दोनों बिल्कुल मैनरलेस लड़कियाँ। बिल्कुल खाना नहीं, खाना प्लेट ख़त्म करो इसे। ये देखो, खाने खाओ जल्दी करो। मैं अभी तुम लोगों को, मैं अभी अपने सारे सब्सक्राइबर्स को दिखाऊंगी कि तुम लोगों की प्लेट्स कितनी खाली होती है और फरदान को भी बताऊंगी कि ये तुम्हारी शादी का सारा खाना ये दो खा गई हैं बैठ के, मीरव और ये। मीरव वहाँ से नहीं गई है। हाँ हाँ, मैं नहीं बैठी थी। ये एक सरायकियों में रस्म होती थी पहले, पर अभी भी माशाल्लाह ये देखें कुछ लोग फॉलो करते हैं। इसमें ये होता है कि ये जो कपड़े होते हैं ना दुल्हन के जो बनाए जाते हैं वो उठा के ना सबको दिखाए जाते हैं। वहाँ पे हॉल में जितने भी लोग आए हुए होते हैं ना सबको दिखाते होते हैं। ये एक रस्म है सरायकियों में। तो अब ये लड़की की ज्वेलरी, उसके जूते, उसके कपड़े सारे यहाँ पे दिखाएंगे, मतलब शो करेंगे, सबको दिखाएंगे। तो यार आप सबने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस किस को इस रस्म के बारे में पता है। मेरे ख्याल से तो ये सरायकियों में है, क्या पता पंजाबियों में भी हो, ये थोड़े पास है ना इसलिए। तो आप लोग कमेंट में मुझे बता दें और इसका नाम भी कोई है तो वो भी बता दें। कैसा था? अच्छा था, मज़ा आया, बहुत मज़ा आयो है ना, बहुत प्यारा है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा। और सुल्तान को फिर से देखनी है। अभी आपको वो दिन याद है? सही, आपको वो दिन याद है? सही, आपका फेवरेट दिन था वो जब हमारा निकाह हुआ था। ठुड्डे मारूंगी सुल्तान। ओह माय गॉड, ये देखिए सुल्तान और सुल्तान के साथ सुल्तान की बेगम। ये आपकी बेगम है, वो भी आपकी बेगम है। हाँ, दो बेगम रखी हुई है, दो बेगम रखी हुई है यार। बच्चे, अच्छा सुल्तान, बच्चे क्यों भागते हैं शादियों पे टॉर्चर करने के लिए? ये वाली वीडियो में मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। मूड हुआ कहते हैं थोड़ा सा बाहर चलते हैं, तो ये हम देखने के लिए आए हैं सुल्तान। हमारी जिस दिन शादी होगी ना, ठीक है। हाँ, उधर यार, यहाँ पे हमारा इतना मजे का फोटो शूट भी था हमारे निकाह वाले दिन। Oh my God, so many memories. अच्छा इधर ही बना है। अच्छा memories. नोटिस नहीं की थी, मुझे लगा ये अलग है। नहीं, वही वाला एरिया वो देखो, आपको याद है हम वहाँ से उतर के गए थे नीचे, अभी हमने उस एरिया में फोटोज ली थी। नहीं था ना, बाद में हुआ सब। हाँ नहीं, ऐसे ही था, कसम से ऐसे ही था। हाँ ऐसे ही था। हाँ ये वाला था और ये यार, ये इसका नाम है मलिकाज। थी, मेरी नजर पड़ी थी, तो पड़ है ना। अच्छा आपको पता, अच्छा है ना, हम यहाँ कर सकते हैं शादी, है ना? देखता हूँ देखता हूँ नहीं, यहीं पे करना है। हाँ एक इवेंट कर लेंगे, एक इवेंट भी बहुत है, एक इवेंट इधर कर लेंगे और बाकी हम कर लेंगे शहर के अंदर, क्योंकि मेहंदी पे ये होता है ना, इंसान ने काफी देर तक रहना होता है ना। लेकिन ये शहर से बाहर होती देर तक सभी चीज़ें खुला है।
से बाहर है ना, वरना नहीं वरना बंद हो जाता। यहाँ पे सुल्तान को जबरदस्ती बिठा के उनका फोटो शूट करते हुए, सुल्तान का सबसे नापसंदीदा काम जो है वो ये है कि फोटोज बनवाना। चलो दूल्हा दूल्हा साहब आ गए इंशाल्लाह। और फैजान कैसा महसूस हो रहा है? बहुत मजे का। आई एम ब्लंट। चलें जी, इसी के साथ अब ये वाला व्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे। और आप लोगों ने बताना नहीं भूलना कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा है, ठीक है? और बस हम घर जा रहे हैं। सुल्तान को बहुत जल्दी है कि मैच है मैच है मैच है। किसका मैच है? इंग्लैंड फ्रांस। चलें हम जा रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। क्यों? बाय बाय। दूसरों की शादी पे हमारी अपनी शादी की प्लानिंग चल रही है। यही करना है।